Namaskar to all the learners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is urea clearance. तो आज हम जानेंगे कि यूरिया क्लियरेंस होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. यूरिया क्लियरेंस का मतलब होता है किडनी के द्वारा एक मिनट में कितने ब्लड को यूरिया से क्लियर किया गया. सो इट इज डिफाइंड एज द ml ऑफ ब्लड दैट इज क्लियर्ड ऑफ यूरिया बाय द किडनीज इन वन मिनट. एक मिनट में कितने ml ब्लड में से यूरिया को क्लियर किया गया किडनी के द्वारा, दैट इज यूरिया क्लियरेंस. तो यूरिया क्लियरेंस हम ml पर मिनट में मेजर करते हैं और इसको मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है U मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय P इनटू 1.73 डिवाइडेड बाय A, जहां पर U का मतलब होता है यूरिन यूरिया mg पर dl में, V का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर मिनट इन ml, एक मिनट में कितने ml यूरिन को एक्सक्रीट किया गया. P जो होता है वो प्लाज्मा यूरिया होता है mg पर dl में, और A जो होता है वो सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट होता है जो कि पेशेंट के हाइट और वेट पे डिपेंड करता है. हम यूरिया क्लियरेंस को फाइंड आउट क्यों करते हैं? ये जब हमें रीनल टेस्ट करने होते हैं, किडनी की कैपेबिलिटीज को फाइंड आउट करना होता है, किडनी की डिजीजेस को फाइंड आउट करना होता है, ग्लोमेरुलर डिजीजेस फाइंड आउट करना होता है, तो हम यूरिया क्लियरेंस टेस्ट को करते हैं. सो दिस टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज ऑफ द किडनी, यानी किडनी में जो ग्लोमेरुलस है उनकी फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटीज क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूरिया क्लियरेंस टेस्ट को करते हैं. थैंक यू.